तो भाइयों सोचो, अगर हमें मौका मिला आज से 10 या तो 11 हजार साल पीछे जाके धंधा करने का, तो हम धंधा कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हुआ करती है राजाशाही, लोकशाही में लोग बिलीव भी नहीं करते, और धंधा करने पे हम कोई भी चीज का धंधा करें, हम जितना भी कमाए उसमें से 50% प्रॉफिट तो हमें राजा को देना पड़ेगा, क्योंकि राजाशाही में राजा का हुक्म चलता है। और फिर जो पैसे बचे उसमें से प्रॉफिट कमा के हमें हमारा घर का गुजरान भी चलाना है, तो सोचने में ये कितनी टफ सिचुएशन लगती है। और उसी सिचुएशन को हम जीने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और जिस गेम को आज हम लोग खेलने वाले, उस गेम का नाम है मेडिएवल ट्रेडर सिम्युलेटर, जिसमें सब चीजें हमें एक्सपीरियंस होगी। तो आ जाओ गेम में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है ये एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग 11,000 साल पीछे आ चुके हैं और मेरे पास अभी गेम में 1309 गोल्ड के कॉइन। भाई पहले गोल्ड कॉइन हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, ये है बात। और साथ ही में थोड़ी बहुत चीज आप लोगों को जान लेनी चाहिए। अभी सुबह के 7 बजे है गेम के अंदर, और नीचे की साइड पे तुम देखोगे ना तो यूरिन है, डर्टीनेस है और हंगर है। सिंपल, यूरिन मतलब हमें सुसु लगा है, डर्टीनेस मतलब हमें नहाना पड़ेगा, और हंगर का मतलब हमें खाना पड़ेगा। तो खाना कहाँ पे मिलेगा वो भी हम लोग ढूंढते हैं, बट उससे पहले बाथ में नहा लेते हैं। भाई क्रेजी देख रहे हो तुम लोग, सिस्टम देखो। पहले ऐसे बात हुआ करते थे आज से 10-11 हजार साल पहले, मतलब तभी से दुनिया आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। ये है बेड भाई, ये तो अभी के जमाने का बेड लग रहा है। भाई क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है, सोने के लिए होगा। एक बुक है पुराने प्राचीन टाइम की, शॉप टेटस टुडे, ओके मतलब जो हमारा शॉप है ना उसका टेटस है। और मैनेजमेंट के लिए वर्कर ओपन शॉप इट 7 AM, मतलब हमारे पास शॉप पे एक वर्कर भी है दुकान पे, जो कि दुकान को ओपन कर देगा 7 बजे। तो भाई ऑलरेडी हम तो अमीर हुए ना, मतलब हमारे पास एक वर्कर है तो अमीर ही है। फिर वर्कर क्लोज शॉप वेन आउट ऑफ स्टॉक, ओके। और शॉप रेटिंग है भाई, ये क्या है, शॉप रेटिंग करंट शॉप रेटिंग 0%। चलो ठीक है भाई, शॉप पे जाते हैं हम लोग। भाई हमारा दुकान मेरे को देखना है। साथ ही में ये क्या है, दरवाजा है क्या, ये ओपन नहीं हो रहा दरवाजा। ठीक है भाई, इधर से ओपन करते हैं। भाई सुसु लगी है मेरे को और खाना भी खाना है। एक मिनट, टॉयलेट कहाँ पे है, ये टॉयलेट है क्या भाई? टॉयलेट तो पुराने जमाने का लग रहा है, पहले के टाइम में ऐसे ही हुआ करते होंगे टॉयलेट। बट एक मिनट, सामने घर है, यहाँ पे एक भाई जा रहे हैं और हमने बाहर बैठे बैठे, क्रेजी भाई क्रेजी चीज़ें हो रही है। तो और ये क्या है, ऑयल बैरल क्या, ओके बैरल है, ऑयल नहीं है उसके अंदर। बाकी देखो भाई प्राचीन काल के लोग काम कर रहे हैं। कपड़े भाई आज से 10-11 हजार साल पहले फाउंड हो चुके हैं, मतलब पहले ही कपड़े बनाना किसी ने स्टार्ट कर दिया था। बाकी देखे तो विलेज वगैरह लग रहा है भाई, गांव, एक गांव के अंदर हमारा दुकान है। दुकान रहा सामने, ये वाला दुकान है हमारा। एक मिनट मैप ओपन करते हैं, ये है मार्केट, ये है घर और ये है शॉप। अगर हमें सामान लेना है, मतलब हम होम से जाएंगे मार्केट कुछ सामान खरीदना है तो, और होलसेल में सामान मतलब जत्थाबंद हम सामान लाएंगे और उसे हम लोग अपने शॉप पे बेचेंगे। मतलब मार्केट दूसरे गांव में है, तो दूसरे गांव से हमें सामान ला के हमारे शॉप पे बेचना है। और हमारा जिस जगह पे शॉप है, मतलब हमारे गांव के अंदर हमारा अकेले का शॉप है, बाकी किसी का दुकान नहीं है। बाकी एक ये दुकान है, ये क्या करता है, अच्छा अगर हमें खाना खाना है तो इससे खरीद सकते हैं। हंगर हो गया 0। चलो बढ़िया भाई, चीज़ें मेरे को समझ आ चुकी है। दुकान को करते हैं ओपन, आई थिंक यही हमारी दुकान है। ये कर दिया मैंने शॉप को ओपन। शॉप में क्या क्या चीज़ें बेचने के लिए, मेरे ख्याल से हमारा वर्कर है। बाकी देखे तो शॉप में कुछ बेचने के लिए सामान है नहीं। ये क्या हुआ भाई, दुकान कैसे बंद हो गया ऑटोमेटिक? अच्छा ओ भाई, अच्छा मैं समझा। अरे यार ये क्या चालू है, अगर हमारा दुकान पे कोई सामान नहीं है तो दुकान ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे भी हम लोग शॉप ओपन कर सकते हैं, बाहर का गेट है। बाकी अगर दुकान की हालत देखें तो कुछ खास अच्छी मेरे को लग नहीं रही है। साथ ही में सामान भी बेचने के लिए नहीं है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो हमें सामान लाना पड़ेगा। ये डब्बे में सामान है मेरे ख्याल से, ये डब्बे रखते हैं भाई। अच्छा ये क्या है भाई, ये आई थिंक है, एक मिनट, फिशिंग रोड, ओके भाई ये तो सामान है ना, फिशिंग रोड बेचेंगे भाई। तब तक भाई मेरा मकसद है इस गेम में 10,000 गोल्ड के कॉइन कमाना। क्या इस वीडियो में 10,000 गोल्ड के कॉइन कमा पाऊंगा? भाई देखिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक्स होते हैं। भाई देखिए ये गेम मेरे को अच्छा तो लग रहा है, बट इसमें और क्या कर सकते हैं, एक डब्बा और है ना, इसमें भी फिशिंग रोड ही है। आ जाओ भाई सभी फिशिंग रोड ही बेचेंगे। जैसे ये सामान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें सामान और लाना पड़ेगा। अच्छा एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं ऐसे। भाई आ जाओ हम लोग मार्केट जाएंगे, सामान लेके आते हैं। मार्केट किधर पे है? अच्छा ये तो बुक है, बुक किससे मैंने ओपन किया? अच्छा हम लोग पहले मार्केट जाते हैं और थोड़ा सामान लेके आते हैं, और मार्केट जाने के लिए दुकान ओपन कर देते हैं। अभी तो सामान है, ये बक्से में क्या है, पैसे है कि नहीं है? नो मनी टू कलेक्ट। अच्छा भाई थोड़ा सामान बेच यार। ये वर्कर हर दिन के कितने पैसे लेता होगा? मेरे ख्याल से
40-50 गोल्ड के कॉइन बहुत महंगा है भाई, अभी के टाइम में गोल्ड के कॉइन का रेट कितना है। एक बार मेरे को मैप देखने दो, हम लोग भटक ना जाए। मार्केट यहाँ पे है और शॉप अपना यहाँ पे है, उसके बीच में है दो घर। आई थिंक ये दो घर ना ये वाले ही है। तो अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो मार्केट आ जाएगा ये वाली डायरेक्शन पे। बस अगर हम लोग गलत रास्ते पे चले गए तो क्या आएगा पता है? वहाँ पे होगा एक विलेज, हमारे गांव की तरह एक दूसरा गांव, बट वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे दूसरा गांव नहीं होगा, मे बी मार्केट ही होगा। भाई पत्थर तो देखो सब जगह पे। भाई एक और चीज़ है, मेरे को ये बताओ हमारे राज्य का राजा कहाँ पे रहता होगा, ये गाँव में या कोई दूसरा गाँव भी है? नहीं यार, दूसरा गाँव कुछ दिख नहीं रहा, मैप इतना ही है। मे बी राजा यहाँ पे ही रहता हो, मार्केट में ही, क्या पता। भाई अपन लोग ना वो सामान लेने के लिए एक पीछे ये वाली चीज़ भी लेके आए। किधर गई वो सामान? एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। ऐसा एक सामान लेने के लिए चीज़ लेके आया है, इसमें हम लोग सामान डालेंगे। आ जाओ, मार्केट आ चुका है भाई। मार्केट दिखने में तो गांव के जैसा ही है, दूसरा गाँव ही लग रहा है। मार्केट में कुछ नया लग नहीं रहा मेरे को। ये क्या नोटिफिकेशन आया था, शॉप ओपन या शॉप क्लोज, ऐसा कुछ तो आया था। एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? पहले डेवलपर है, गेम को फिक्स करो यार। ये देखो, ये बुक्स है और ये बात है, ये तो मेरे पास सब सामान है। आ जाओ, ये सब नहीं खरीदना है भाई, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या, अरे ये गेम क्या चालू है यार, ये बहुत अजीब चीज़ें है भाई यहाँ पे तो। आ जाओ, यहाँ से हम लोग लेके आते हैं, यहाँ पे रहा मार्केट, यहाँ से हम लोग जथाबंद में सामान खरीद सकते हैं। एक मिनट, इसको ना गाड़ी को यहाँ पे रख देते हैं, ये रख दिया। अब इसमें हम लोग सामान खरीद के रखेंगे। ये क्या है, हाई प्राइस सीड, सीड हमें मिलेगा 31 गोल्ड कॉइन का और बिकेगा सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन में। आई थिंक इसे नहीं खरीदना चाहिए। गुड प्राइस में कितना है ओ भाई, इंक $67 में हम लोग खरीदेंगे, डॉलर क्या गोल्ड कॉइन में, और बिकेगा 100 गोल्ड कॉइन में। आई थिंक इसे इंक खरीदना चाहिए भाई। इंक का यूज़ क्या होता होगा, बुक वगैरह लिखने में क्या? आई थिंक ये तो बहुत तगड़ी चीज़ होगी, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसे ही मैं खरीद लेता हूँ। हम लोग आज बेचेंगे जितना हो सके उतना इंक, और हमारा जो गोल है ना, मतलब 10,000 गोल्ड कॉइन तक जाने का, वो गोल भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ये क्या है, हाई प्राइस 29 गोल्ड कॉइन का एक कैंडल, बिकेगा 23 गोल्ड कॉइन में, नहीं खरीदना चाहिए, ये भी हाई प्राइस। लेंटन गुड प्राइस में है, 38 गोल्ड कॉइन का और 57 का बिकेगा। आई थिंक इसे खरीद लेता है भाई। एक मिनट, इसको मैं रखूँगा कैसे? अरे रख जे मारे यार, क्या यार मामे रखना भाई, ये सामान रखता नहीं है डेवलपर, इसे फिक्स करो पहले। ये लेंटन का एक और बक्सा खरीद लेते हैं, इसमें प्रॉफिट अच्छा है भाई। देखो लेंटन और इंक का ज़रूरत पड़ेगा, बट इतना भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक इसमें भी भाई ये पाउच भी बहुत प्रॉफिटेबल है। देखो इसका कीमत देखो तुम, बस 47 का गोल्ड कॉइन का 65 गोल्ड कॉइन में बिकेगा। ये क्या है, 39.50 इतने में, मतलब ये है गुड प्राइस है बट प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी नहीं है प्रॉफिट, इसमें भी नहीं है, इसमें 52 का बिकेगा। आई थिंक इसमें प्रॉफिट नहीं है तो हम क्यों धांधली करें भाई, फिर इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। इसे मैं 324 गोल्ड कॉइन में खरीद के 380 गोल्ड कॉइन में बेच सकता हूँ, इसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा है। यू नीड हायर शॉप रेटिंग। अच्छा हमारा जो शॉप रेटिंग है वो इतना हाई नहीं है, चलो ये सब नहीं खरीद पाएगा। आई थिंक ये सब में वही है। खाना खरीदते हैं भाई, खाना तो बिकना चाहिए, खाना तो सबको चाहिए भाई। रात को 13 गोल्ड कॉइन का खरीद के 13 में ही बेचना कोई मतलब मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ये गुड प्राइस है, नहीं भाई ये तो देखो हाई प्राइस में कुछ खाने का नहीं बेचने वाला हूँ, भूखे मरो सब गांव वाले यार, या तो यहाँ से खरीदो क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्यों धांधली करूँ। इसमें है, इनकी से खरीद लेता हूँ। ये मैंने क्या खरीदा उसका नाम मैं नहीं देख पाया बट प्रॉफिट था। ये दवाई है क्या, ओलिव ऑयल है। अच्छा ये खाना बनाने के लिए आई थिंक यूज़ होता होगा, उस टाइम पर भी कोई ऑयल आता था और कोई दूसरा वाला भी, नहीं क्या होगा ऑयल का सिस्टम। बट हाँ प्रॉफिट इतना नहीं है बट खरीद लेते हैं क्योंकि ये कभी ना कभी, मतलब ये ना हाई सेल प्रोडक्ट है। अगर खाना बनेगा तो ओलिव ऑयल का यूज़ होगा, अगर कोई दूसरी मतलब चीज़ों में ऑयल यूज़ हो रहा है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 71 गोल्ड कॉइन और सीधा बिकेगा चीज़, ये खरीदते हैं ना भाई, चीज़ तो बिकेगा क्योंकि चीज़ में क्या है ना वो मिलता है उसको कुछ तो कहते हैं अच्छा खासा मिलता है, प्रोटीन वगैरह तो मिलता होगा, प्रोटीन नहीं कुछ अच्छा कहते हैं। ये चीज़ एक और खरीद लेते हैं और रख देते हैं। आ जाओ इतना सामान काफ़ी है, ये खरीद लेते हैं। आई थिंक इसमें क्या है, $9 का खरीद के कैप्सिकम, ओके इसको मैं कैप्सिकम बोलता हूँ, ये शिमला मिर्च है ना, हाँ ये 9 का 11 होगा, ये खरीदते। अरे यार ये तो बहुत वो वाले पैकेट में आया। एप्पल का प्राइस इतना हाई क्यों है भाई, बाकी सबका प्राइस भी ऐसा ही। आ जाओ इतना सामान काफ़ी है आज के लिए, इतना सामान बेच के हम लोग कितना कमा पाएंगे वो देखने वाली बातचीत रहेगी। बाय द वे अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट करते हैं इस वीडियो पे हम लोग 1.5 लाख लाइक का और साथ ही में 1 लाख कमेंट का। अगर हो जाते 1 लाख कमेंट तो इसका पार्ट 2 में बहुत जल्दी लाऊंगा।
आई थिंक पार्ट थ्री, मैंने ये गेम पहले एक बार खेला हुआ है, तो पार्ट थ्री के लिए मेरे को चाहिए 1,00,000 कमेंट और बाकी लाइक देख लो यार, जितना हो सके उतना बढ़िया रहेगा। भाई ये तो चल ही नहीं रहा कैरेक्टर, बहुत स्लो हो गया। आई थिंक वो एनर्जी बार है, देखो उस साइड पे कम हो रहा है ना, वो एनर्जी बार है, उसे वापस से हमें भरना पड़ेगा। थोड़ी देर रुकेगी, ये हो गया देखो, आ पर आया बंदा, अंदर से सांस आ रही है बाहर उसके। चलो आई थिंक इतने में हो जाएगा, सामने शॉप है और अभी रात के बज चुके हैं 7, मतलब 19 बजना, वो 7 बजने के बराबर ही है 19 का मतलब। चलो आ जाओ आ जाओ, फटाफट जाना पड़ेगा। जरा सोचो, हमने सामान तो खरीद लिया बट ये सामान बिका नहीं तो हम क्या करेंगे? हाई चांस है कि ना बिके, खराब हो गया या बिका नहीं तो क्या करेंगे? आई थिंक हमने बिगड़ने वाली चीज़ में बस यही एक मिर्ची ली है, शिमला मिर्च, उसके अलावा तो कोई ऐसा सामान नहीं। ये रेड कलर का, अच्छा मेरे को लगा रेड कलर के देख के कि ना बिगड़ गया ऐसा। ये भाई कस्टमर आना भी स्टार्ट हो गए, ये हुई ना बात, रात को भी कस्टमर आते हैं, क्योंकि गांव में एक ही शॉप है ना, कहाँ जाएंगे, इधर ही आना है। ये सीड रख देते हैं, सीड आई थिंक उसके लिए काम लगता है ना खेती में, मे बी वहीं पे काम लगता होगा। भाई ये बिकना चाहिए, हाँ अगर बिका नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, हमारा $10,000 जो हमें आज करना है ना वो होगा नहीं। एक और सीड का बक्सा भाई, मैं ना पूरा बॉक्स ही अंदर लेता हूँ, रुको और फिर रखता हूँ सब सामान ऐसे ऐसे। ये क्या है? अरे यार ये अपना वही लेना, नहीं इंक, ये इंक ना राज्य में काम लगेगा, मतलब राजा का जो सिंहासन वहाँ पे कोई उसने रखा होगा ना लिखने के लिए बंदा, वो खरीदेगा, तो ये अच्छा प्रॉफिटेबल था। बाकी इसमें क्या है भाई? ये है वापस से सीड, आई थिंक सीड ही है ना, नहीं ओलिव ऑयल है यार, मैं इसको सीड समझ रहा हूँ, ये ओलिव ऑयल है, सॉरी 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 गाइस, सीड भी सेम ही दिखने में था ना इस वजह से, माफ़ करना दोस्तों माफ़ करना। ये क्या है? ये भी इंक है भाई, चीज़ें बिक रही है, चीज़ें बिक रही है, हम लोग ने बहुत सही तरीके से सामान को सिलेक्ट किया है जो कि बिक रहा है, अगर नहीं बिकता तब दिक्कत। ये पाउच में लेके आया हूँ, ये लड़कियों के लिए है खास करके, या इस गेम में लड़के भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करते होंगे यार, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी ना लड़कियाँ लड़कियों के लिए कौन सा सामान ऐसा डिफाइन नहीं थे, कपड़े के अलावा कुछ नहीं था, तो इस वजह से लड़के भी ये लेके घूमते होंगे। रुको हम देखते हैं, आ जाओ गाँव में देखते हैं कोई पहन के घूम रहा है क्या लड़का। एक मिनट, ये बक्सा अंदर रख देते हैं, अभी बज चुके हैं 9:00, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह में काम करना चाहिए। आ जाओ खाना खा के हम लोग सोने के लिए जाते हैं। भाई यहाँ से ले लिया खाना और अभी जाएगी हम लोग घर पे सोने के लिए। मेरे को शॉप बंद कर देना चाहिए था बट गांव के अंदर शॉप होने का फ़ायदा ये है कि गाँव में कोई भी चोरी नहीं करता है, तो हमें शॉप बंद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आ चुके हम लोग, देखो घर भी हमने बंद नहीं किया था भाई, फिर भी कोई भी चीज़ का चोरी नहीं हुआ होगा, एक ही जगह पे बुक पड़ा हुआ है, हमारा बेड भी सेम है, ये भी है, कल देखेंगे जो भी होगा। चलो सो जाते हैं भाई, मज़ा आ रहा है जो भी बोलो। गेम जिसने भी बनाया है, डेवलपर, बहुत सही काम किया है तूने। फाइनली सुबह हो गई है, सबसे पहले हम लोग बुक में ना अपनी गेम सेव कर लेते हैं। ये देखो सामान बिकना भी स्टार्ट हो चुका है भाई, उठते ही सब लोग आ चुके हैं अपनी शॉप पे, शॉप भी ओपन हो चुका है, नहा लेते हैं। सुबह सबसे पहले नहाने का काम करना चाहिए, उसके बाद फ्रेश होने के लिए एक और काम है भाई, ये दरवाज़ा नहीं, ये दरवाज़ा है, अभी फ्रेश होने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और हो जाते हैं फ्रेश। चलो अभी आज के दिन हमें नहीं तो जितना भी सामान खरीद के हम लोग आए हैं वो सभी मतलब बेचना पड़ेगा, कुछ भी करके बेचना पड़ेगा, अगर वो नहीं बिकेगा तो हमारे पास वैसे है पैसे है ऐसा नहीं है, बट अगर नहीं बिका तो भाई दिक्कत वाली बातचीत है, 10,000 कॉइन कैसे करेंगे हम लोग गोल्ड के, खाने का ज़रूरत नहीं है वैसे भी हमें। आज जब सामान रख देते हैं फटाफट से सब, और क्या ऐसे यहाँ पे चीज़, भाई ये तो चीज़ बहुत ख़तरनाक दिख रही है जो भी बोलो। तो जो भी सामान हम लोग मार्केट से लेके आए थे वो सभी सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तुम लोग देख सकते हो, ये सभी सामान अभी बिकेगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट एक और चीज़ थी मार्केट में जो कि हाई प्रॉफिटेबल थी, वो थी तलवार, जो स्वॉर्ड वगैरह वहाँ पे थी स्टील की, वो अगर हम बेचेंगे तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, मतलब हर एक चीज़ पे एक तलवार बिक गई तो हमें 100 गोल्ड कॉइन का प्रॉफिट होगा, जो कि एक कोई भी चीज़ में नहीं है। तो हाई प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए शॉप रेटिंग, और यहाँ पे शॉप रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड है? कंप्लेंट्स के ऊपर। ये कंप्लेंट्स जो है, जितनी कंप्लेंट्स आएगी कि हमें फिश चाहिए मतलब मछली चाहिए बट वो मिली नहीं है, तो ये कंप्लेंट्स हमारा जो शॉप रेटिंग है उसे गिरा देगा। और शॉप रेटिंग यहाँ पे देखो, करंट शॉप रेटिंग है हमारी 0, अगर इसको हमने 50% कर दिया तब जाके हम लोग तलवार वगैरह खरीद पाएंगे, तो हम लोग बिजनेस करने के लिए देखो 1% शॉप रेटिंग हो चुका है, तो ये शॉप रेटिंग को हमको हाई करना पड़ेगा। और वो बढ़ेगा कैसे? ये जो कंप्लेंट्स है उसे हमें दूर करना होगा, तो कंप्लेंट्स हटाने के लिए हमें सभी सामान खरीद के लाना होगा जिसमें प्रॉफिट भी नहीं है, वो भी खरीदना पड़ेगा ताकि हमारा शॉप रेटिंग बढ़े, और एक बार शॉप रेटिंग बढ़ गया तो हम प्रॉफिट तो कमा लेंगे तलवार वगैरह बेच के। तो आज हम मार्केट जाते हैं और सामान खरीद के आते हैं फटाफट से।
ये उठाते भाई, ये उठ क्यों नहीं रहा भाई, डेवलपर ये पहले फिक्स करो उसके बाद सब चीजें देखेंगे ओके। तो अभी हम लोग मार्केट आ चुके हैं और लिटरली इस गेम में हम लोग गधे के माफिक काम कर रहे हैं, ये चीजें खुद हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग समझ रहे हो चीज को कितनी मेहनत हम लोग को करनी पड़ती अगर हम 10 या 11 हजार साल पहले जन्म ले लेते तो। अच्छा, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही हम लोगों को। अभी आ जाओ, जो भी सामान हमें चाहिए ना वो सब खरीद लेते हैं, या गुड प्राइस जो भी चीजें गुड प्राइस में ना वो सब खरीदेंगे, तो हमारा ना शॉप रेटिंग उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा भाई। कोई भी कस्टमर आके ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं मिली, ये भी खरीद लेते हैं भाई, ये भी ले लिया। अभी ये क्या है भाई, टोर्च ना भाई लाओ हमको दो, हमें कितना, अगर हमको 2 गोल्ड कॉइन का भी प्रॉफिट होगा ना हम खरीदेंगे। गुड भाई हमको चाहिए, सिंपल। यहाँ पे मैं ऊपर रख सकता हूँ क्या इसको? हाँ, एक और रख देते हैं भाई, जितना सामान लेके जा सकते ना उतना लेके जाएंगे, हाई प्राइस गुड प्राइस ये भी खरीद लेते हैं भाई, हर एक चीज़ मिलेगी हमारी शॉप पे। सिकल भी खरीद लेते हैं भाई, ये भी चाहिए मेरे को, ये भी गुड प्राइस में था, ये भी खरीद लेते हैं। हैमर भी, ये भी चाहिए भाई। ये क्या है भाई, शोवल भी खरीद लेते हैं, ये भी अच्छी प्राइस में है, इसको भी ऊपर रख देते हैं ऐसे करके। रख नहीं पा रहा हूँ भाई मैं, अरे हो गया, लेट्स गो। अभी ये फिशिंग रोड भी खरीद लेते हैं भाई, रोप भी खरीद लेते हैं, मतलब रस्सी भी खरीद लेते हैं, ये भी गुड प्राइस में है। ये सब सामान तो 50% शॉप रेटिंग हम उसी लिए कर रहे हैं, मतलब इसके लिए ही कर रहे हैं। मछली भी खरीद लेते हैं भाई, खाना तो चाहिए ही चाहिए सबको। मीट भी खरीद लेते हैं भाई, जो भी चीजें है मेरे को दे दो बस। ये मीट बॉल्स भी खरीद लेते हैं भाई, ये मीट बॉल्स क्या होता है? ये मेडिसिन भी खरीद लेते हैं, गुड। अच्छा, यू डोंट हैव इनफ मनी, अरे भाई मनी शॉर्टेज हो चुका है, चलो आ जाओ भाई। पैसों का जो दिक्कत है ना वो नहीं होना चाहिए, और पैसे जो हमने चीजें बेची है, मतलब पहले जो हम स्टॉक खरीद के गए थे उससे प्रॉफिट होना चाहिए, वो मेरे को देखना है कितना प्रॉफिट हुआ उसमें। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। 1300 गोल्ड कॉइन थे जिसमें से हम लोगों ने पहले शॉपिंग किया था 700 गोल्ड कॉइन का, और नहीं 600 का, और अभी हमने किया है जितने भी थे वो सब का। अभी मेरे पास 84 ही गोल्ड के कॉइन बचे हैं, तो बढ़ने चाहिए भाई अब तो। तो आ चुके हैं हम लोग शॉप पे, ये सभी सामान अंदर रख देते हैं, फटाफट से लगा देते हैं बेचने के लिए। और उससे पहले प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 800 भाई साहब। और आज हमने जो सामान बेचा है वो है 400 गोल्ड कॉइन का भाई, और अभी भी हमारे शॉप पे सामान पड़ा हुआ है, देखो इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, और हम लोगों ने 400 कॉइन कमा भी लिए है। क्रेजी भाई, धंधा तो बढ़िया चल रहा है। अभी ये सभी सामान जो लेके अभी हम लेटेस्ट वाला लेके आए ना वो सब रख देते हैं। ये मीट रख देते हैं, मीट में तो अच्छा प्रॉफिट था मैंने देखा था, यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले मीट, ये बिकना चाहिए सबसे पहले। तो अभी हम लोग जो सेकंड डे पे भी सामान लेके आए, तो सभी सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया है भाई। कल हमारी ना शॉप रेटिंग 50% के ऊपर जाने वाली है, अगर नहीं गई तो बात की बात है, बट ट्राई करेंगे। अभी 9 बज चुके हैं रात के, और सोने के लिए हमें जाना है। The next day. भाई देखो, आज का दिन बहुत सॉलिड होने वाला है, क्योंकि हम कर लेंगे 50% शॉप रेटिंग भाई। टुडे तो कोई सेल आया नहीं है, अब तक तो कुछ भी नहीं बिका है। आ जाओ फटाफट से सुसु कर लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे सीधा हम लोग शॉप पे, क्योंकि हम सामान काफी सारा लेके आए हैं। तो आई होप हमारी आज 50% शॉप रेटिंग हो जाए, और हम लोग तलवार वगैरह बेच सके, क्योंकि उसमें प्रॉफिट क्रेजी भाई, मतलब अंधा प्रॉफिट है उसमें। ये रहा अपना शॉप, और लोग भी अपनी शॉप पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया। क्या लगता है क्या होगा? अभी मेरे को ना बुक कैसे कलेक्ट करने दो। $1220 हमारे पास हो चुके हैं, बट फिर भी, अरे यार कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो चुका है। नो मोल्ड ब्रेड, नो मेडिसिन, भाई ये क्या चालू है? अगर ऐसे कंप्लेंट आता रहेगा तो फिर हमारे शॉप रेटिंग बढ़ेगा नहीं, 1% अभी तक तो पहुंचा है। एक और चीज है जो कि हमें शॉप रेटिंग में समझनी होगी, कोई भी कस्टमर एक चीज खरीदता है तो +1 से हमारा शॉप रेटिंग बढ़ेगा। अगर कोई कस्टमर कोई चीज को नहीं खरीदता और कंप्लेंट करता है, तो हमारा जो शॉप रेटिंग है वो 3 या तो 4 से गिरेगा। तो ये वाली चीज मेरे को बहुत अजीब लगी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी हमारी शॉप रेटिंग अभी 39% हो चुकी है, 50% हिट करने वाली है, और उसके बाद हम सभी सामान को खरीद पाएंगे। तो अभी हमारी शॉप का रेटिंग काफी हाई हो चुका है, शॉप रेटिंग में जाएंगे, देखो 86% हमारा शॉप रेटिंग है, और 83%। तो अभी हम लोग वेपन वगैरह बाई कर सकते हैं, मतलब तलवार वगैरह बाई कर पाएंगे, और उसमें मिलेगा हमें मोटा प्रॉफिट। वैसे हम लोग सबसे पहले तो ना लेते हैं, दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है, आज के दिन हम लोग वेपन वगैरह खरीदने वाले है। तो आ जाओ, अभी यूरिन भी, 1 मिनट, ये हो चुका है हमारा ये वाला काम। अभी हमें खाना खाना है बस, और खाना खाने के बाद सीधा हम लोग जाने वाले हैं मार्केट पे सामान लेने के लिए। और इस बार स्पेसिफिक हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ वेपन लेके आने वाले हैं। मेरे पास अभी देखो 84,26, मतलब 8,000 के ऊपर गोल्ड के कॉइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा खाना,
और 10,000 गोल्ड कॉइन हमें इस वीडियो में करने, कुछ भी करके मैं शॉप को बंद ही कर देता हूँ वरना शॉप रेटिंग गिर जाएगा। देख लो एक बार, मैं दिखाता हूँ क्यों मैंने शॉप बंद किया। ये अंदर आ गए हम लोग शॉप में, इसको कर दिया बंद। मेरे पास इतना सामान बचा हुआ है बस बेचने के लिए, 3 चीज़ें बाकी, देखो कुछ भी सामान नहीं है। तो हम लोग अभी सामान लेने के लिए जाने वाले हैं। ये पिछले के ये दरवाजे से निकलेंगे पिछले वाले से, और यहाँ से उठाएगी हम लोग हमारी गाड़ी और इसे लेके निकल पड़ेंगे मार्केट के लिए। तो फाइनली हम लोग मार्केट में आ चुके हैं। ये देखो इसमें प्रॉफिट, देखो 287 गोल्ड कॉइन का हम खरीदेंगे और 380 गोल्ड कॉइन का बिकेगा भाई, 380, समझ रहे हो, 100 के ऊपर का प्रॉफिट है या 100 के अंदर, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। नहीं 100 के अंदर, बट हाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है सच बताओ तो। हाँ 100 से थोड़ा सा कमी रह रहा है भाई। इसका प्राइस देखो कितना हाई है, इसमें 105 का 120 होगा, ये किसी काम का नहीं है। 79 का 85 किसी काम का नहीं, 62 का 70 कुछ काम का नहीं, ये कितने का है 75 नॉर्मल प्राइस पे। अच्छा ये है क्या, बट ईट, इसको मैं खा सकता हूँ सीरियसली ब्रो, मैं इसको खा सकता हूँ क्या? ये क्या है 107 का 95, नहीं 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 नहीं, ये तो भाई ये सब तो हाई प्राइस है, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 95 का बट काफी लो है, इसमें भी काफी लो प्रॉफिट है। बाकी किसी में प्रॉफिट है क्या हाई? एक एक लीवर में प्रॉफिट है, इसे उठा लेते हैं, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अभी कोई चीज़ है क्या प्रॉफिटेबल? आई थिंक सो नहीं, इतना प्रॉफिटेबल कुछ नहीं होगा। अभी खाना पकड़ लेते हैं, मीट आई थिंक प्रॉफिटेबल है, मीट उठा लेते हैं भाई। आई थिंक बस मेरे को इतना ही सामान खरीदना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना चाहिए। चाहिए तो मैं तलवार सबसे ज़्यादा खरीद सकता हूँ, बट इसको ना बेचने में टाइम लगेगा, बट फर्क नहीं पड़ता यार, शॉप रेटिंग बहुत गिरने वाली है मेरे को पता है, मतलब ऊपर जितनी है ना उतनी ही जल्दी नीचे आएगी। बट मैं और सामान नहीं खरीदना चाहता हूँ, जितना खरीद लूँ ना उतना कम है, मेरे को वेपन चाहिए बस, वेपन से ही प्रॉफिट निकलेगा। बाद में भले ना खरीद पाऊँ, अभी खरीद लेता हूँ जितना भी खरीद सकता हूँ। ये जितने पैसे है ना ये सभी का मैं तलवार खरीदूंगा भाई, और यहाँ पे ना साइड पे रख के चला जाऊंगा, यहाँ पे रख के चला जाऊंगा भाई, तलवार बेचूंगा भाई ये ले। बाद में मैं गाड़ी लेके आके ये सभी सामान लेके जाऊंगा, ये गायब ना हो जाए बस। कल ये चेक करना है कि ये गायब हो जाएगा सामान की रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने 6,000 गोल्ड कॉइन का सिर्फ तलवार खरीदा है, बक्से यहाँ पे रख दिया है, कल मॉर्निंग में वापस मैं मार्केट में आऊंगा और वो बक्से लेके जाऊंगा। बट देखना ये होगा कि वो बक्से वहाँ से गायब हो जाएगी एक रात में कि वहाँ पे रहेगी, अगर चोरी हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर डेवलपर अंधा है और उसने बोला कि भाई जो भी सामान आप खरीदोगे उसको गाड़ी में लेके नहीं जाते हो तो दूसरे दिन गायब हो जाता है, तो बात अलग है। बट अभी के लिए तो हमने जुगाड़ बैठा दिया है क्योंकि शॉप रेटिंग हमारी गिरेगी, वो कन्फर्म है, और सामान मिलेगा नहीं लोगों को तो कंप्लेंट आएगी, और कंप्लेंट आने की वजह से शॉप रेटिंग डाउन। लेट्स गो। बट हमने तलवार इनअप खरीद लिया जिससे हमारा 10,000 गोल्ड कॉइन तो बन जाएगा। The next day. तो सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट में देखने के लिए कि जो भी सामान हमने खरीदा था क्या वो सुरक्षित है, मतलब मार्केट में ऐसे ही पड़ा हुआ है कि किसी ने उठा लिया। बट हाँ अगर हम शॉप पे देखेंगे तो जितना भी सामान मैं शॉप पे लेके आया था वो सभी सामान को मैंने रख दिया है सही सलामत। मैं दिखाता हूँ, देखो कितनी तलवार है हमारे पास भाई, हम लोग ना हमारे गाँव में योद्धा तैयार कर रहे हैं, और ये सभी तलवार योद्धा के हाथ में हम लोग पकड़ा देंगे। ये देखो तलवार, देखो भाई मीट बीट सब कुछ यहाँ पे, देखो इतनी तलवार है। एक दिन बस मेरे को राजा का लोकेशन पता लगे, अपनी पूरी सेना लेके जाके उड़ा दूंगा राजा को, और ये शहर का राजा मैं बन जाऊंगा। अभी फटाफट से हम लोग जाते हैं मार्केट और देख के आते हैं कि क्या सामान है वहां पे। भाइयों हम लोग मार्केट आ चुके हैं, गेस करो क्या सामान रहेगा। भाई सामान है अपना, अरे ये बक्सा हवा में क्या कर रहा है रे, ये देखो एक बक्सा हवा में है, रुको 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 इसको रखते हैं भाई, अगर हम ज्यादा बक्से ऊपर ऊपर कर देंगे ना तो फिर नहीं होगा। चलो शॉप रेटिंग अपना बढ़िया है, अभी भी तलवार खरीदनी है तो मैं खरीद सकता हूँ भाई। देखो मैंने दुकान ओपन ही नहीं किया ताकि शॉप रेटिंग ना गिरे भाई, और अभी ये सभी तलवार में बेचूंगा ना सीधा 10,000 गोल्ड कॉइन के ऊपर जाएगा सामान अपना, देखते जाओ बस। तो अभी मैं और जितना भी सामान लेके आया था वो सभी सामान भी मैंने रख दिया है, देखो तलवार ही तलवार है और ये सभी तलवार हमें बेचनी है। तो शॉप में ओपन करूंगा कल मॉर्निंग में, तब तक मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, खाना पीना कर लेते हैं। अपना शॉप ओपन हो चुका है, हमारा 10,000 गोल्ड कॉइन का जो टारगेट है वो भी कम्प्लीट होने वाला है, देख सकते हो भाई सभी चीजें बिक रही है, शॉप रेटिंग गिरने वाली है जो की गिर भी रही है सच बताऊ तो। आ जाओ सेव करते हैं गेम को और जाते हैं फटाफट से अपने शॉप पे, यहाँ पे शॉप का रास्ता है ना भाई, आज के दिन कितना बिकेगा वो देखना है। और हमने तलवारें इतनी ज़्यादा खरीद ली है, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन लगने वाले गेम के अंदर, 3 से 4 दिन उसको बेचने के लिए, और उसके बाद हमारा 10,000 होगा। अभी आज के दिन कितना होगा वो देखना है, देखो भाई क्रेजी, एक मिनट पैसे उठाने दो, 3400 भाई देखो तो सही आज का सेल देखो।
120 वहां पे आई थिंक सोड भी की है ना। हाँ देखो सोड भी की है 120 की। ये इसे बनेगा पैसा भाई आराम से, चिल करते हैं अभी, इधर खड़े रहेंगे और रात को हम लोग हिसाब मारेंगे। अभी सुबह के 8 बजे है, अभी हम रात के 8 बजे कैलकुलेशन करेंगे कितना मतलब कलेक्शन होता है। वेपन सेलिंग का डे 1 सुबह 8 बजे हमने वेपन बेचना स्टार्ट किया था, तलवार बेचना, और अभी रात के बज चुके हैं 10 और हमारा कलेक्शन हुआ है 6349। ब्रो मैं शॉक हो गया इतना कलेक्शन देख के भाई, मैं बोला ना ये कलेक्शन तगड़ा होने वाला। और अभी भी हमारे पास, एक मिनट सेव गेम करने दो, अभी भी हमारे पास तलवारें पड़ी हुई है 10,000 नहीं मेरे ख्याल से ना, हम लोग नहीं तो 12,000 या 15,000 तक कलेक्शन बना सकते हैं भाई, क्रेजी है। तो अभी डे 2 देखेंगे वेपन सेलिंग का और देखते कितना कलेक्शन होता है। तो डे 2 होता है ख़त्म और आज का हमारा कलेक्शन के साथ साथ शॉप रेटिंग देख लो, 2% ही बचा है और आज हमारा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लाइक 4,000 के आसपास हुआ है। मैंने देखा था, अभी देखो यहाँ पे हरा ये 4,249, ये है कलेक्शन। अभी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं अपने पैसे और 10,000 का जो हमारा गोल है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी तलवारें पड़ी हुई है जो कि मैं बेचने वाला हूँ और उसके बाद देखेंगे हम ना एक और दिन बेचेंगे ना, तभी ये सभी तलवारें बिक जाएगी और हमारा कलेक्शन हो जाएगा नहीं तो 13,000 के आसपास। तो आ जाओ अभी सो जाते हैं और डे 3 का कलेक्शन देखते हैं। डे 3 वेपन सेलिंग का शॉप ओपन हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं जैसा हम हर बार करते हैं, शॉप पे जाके एक जगह पे खड़े रहेंगे और रात होते ही देखेंगे कि आज के दिन का हमारा कलेक्शन कितना होता है। तो इसी के साथ हमारा डे 3 होता है खत्म, शॉप भी बंद हो चुका है ऑटोमेटिकली क्योंकि सभी सामान बिक चुका है, अभी शॉप में कुछ भी नहीं बचा है। अभी मैं कलेक्शन देख लेता हूँ, आज के दिन का हुआ है 3840 भाई, क्रेजी हम लोगों ने पैसे कमाए हैं सच बताऊँ तो। इस पार्ट में मज़ा आ गया भाई, जो भी बोलो। आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15,000 गोल्ड कॉइन के आसपास का कलेक्शन किया है। अगर इसका एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना 1,00,000 और लाइक भी कर देना। बाकी मिलेंगे, अरे यार इस शॉप के ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ एक बार आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद एक बार बंद होना चाहिए, बट मैं अगर वापस ओपन कर देता हूँ तो बार बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बाय द वे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना ऐसी और वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस।